हेलो फ्रेंड्स, कुक विद कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की हेल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम अरबी। अब हम इस अरबी के छिलके को एक नाइफ की मदद से स्क्रैच करते हुए इस तरह से अरबी के छिलके को हम निकाल लेंगे और बाकी अरबी के भी छिलके इसी तरह से हम स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे अरबी को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे। आप चाहे तो इसे अपनी मनपसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच नमक। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से वॉश करेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा, जो चिपचिपापन होगा, वो इसमें से निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे अरबी को अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैंने गैस ऑन करके एक पेन चढ़ा लिया है। पेन के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच तेल और तेल को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों के दाने, जीरा और हरी मिर्च को मैंने 20 से कट कर दिया है और 1 प्याज को मैंने बारीक चॉप्ड किया है और उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये जो अरबी जिसे मैंने कट करके रखा है, सारे अरबी को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और इसे हम ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी का जो चिपचिपापन है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब हम इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच इसमें पानी ऐड करूँगी, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसका ढक्कन लगा के हम लो फ्लेम पे 6 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तेल और ये सब्जी अलग दिख रहा है, यानी कि हमारी जो सब्जी है पक चुकी है। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। अब हम एक फॉक की मदद से इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और ये झटपट सी बनने वाली टेस्टी सी अरबी की सब्जी आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।